प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, जो हिंदुस्तान का जो वो है उसको सम्मान करना चाहिए उस कानून का। वो कानून अच्छा बनाया उन्होंने, ठीक बनाया, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जो है देखो, राजनाथ जी ने भी कहा कि मुसलमानों की मैं गारंटी लेता हूँ, करिए मुसलमानों के एक भी आदमी को ईजा आ जाए। देखो ये उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से आए हैं हमारे यहाँ, हम उनका वेलकम करते हैं, वेलकम करने के लिए, मगर वो अपने कागज़ बनवा लें। अच्छा, कागज बनवा लें, कागज उनके बन जाएंगे, वो रहें यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सीए लागू है जो, हमें कोई तकलीफ नहीं है सीएस भाई, हमें क्या तकलीफ होगी सीएस। अखिलेश यादव कह रहे हैं, वैसे जी बोल रहे हैं मुसलमानों को दबाने के, तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव को? हाँ, और कुछ नहीं है, वो खत्म है लहर उसकी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, क्या सोच रहे मुसलमानों के बारे में, क्या करा उन्होंने बताओ। ऐसा देखिए कि कोई दबाने के लिए बात करता है, कोई उठाने के लिए बात करता है, सब वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए और कुछ नहीं है। फायदा चाहिए कि वही मैंने आपसे बताया कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करिए और सही जो काम करें उसको वोट दीजिए। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इस वक्त जमा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और उन्हीं से बात करेंगे, कैसे देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद जी, देश में अब सीए लागू कर दिया गया है, सीए लागू होने के बाद आज पहला जुमा है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। क्यों? परेशानी है लोगों को। क्या परेशानी? अभी जो आएंगी जब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने तो कह दिया कि देश के किसी में किसी को डरने की जरूरत अभी नहीं। हाँ तो क्या हुआ, अगर नहीं है तो अच्छी बात है भाई। अच्छा, मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर जी, देश में अब सीए लागू कर दिया गया है, तो कैसे देखते, क्या सीए जो लागू हुआ ये सही है? बिल्कुल सही है जी। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये सरकार मुसलमानों को डराना चाह रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है, सही लागू, बिल्कुल सही लागू हुआ। अभी तो फिलहाल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में इबादत में मशगूल है सारे मुसलमान भाई। अच्छा। और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में शांति बनाए रखें। अच्छा। अमन अमान कायम रखें और जो भी फैसला आएगा वो हमारे बड़े देख लेंगे, जैसे हमारे बड़े इस पर निर्णय लेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही हम करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए मुसलमानों को दबा रही है, इसलिए सीए ले आए। ये इसके मामले में हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने इबादत में मशगूल हैं रमज़ान में और हम अपनी इबादत ही करना चाहेंगे, हम इन सिलसिले में बढ़ना नहीं चाहते। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान, सीए के बारे में जानते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा जी, सीए लागू हुआ ठीक है ये? जी देखिए, मोदी जी ने कराए तो सही करा होगा, देश के लिए कराए और अच्छा ही करा होगा। अच्छा। बाकी अगर और पार्टी को देखी जाए, ओपोजिशन पार्टी को, तो वो सब इसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये चीज़ें कल दी गई है तो इससे देश में और बेरोजगारी आएगी, क्योंकि पहले से ही देश बेरोजगार हुआ है, और बाहर से लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी तो और बेरोजगारी आ जाएगी। सर आपका? सर मेरा नाम चौधरी इमरान अंसारी है। इमरान अंसारी जी, अब देश में 2024 के चुनाव है, उससे पहले सीए को लागू करना कैसे देख? नहीं, सीए का लागू करना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों को और जो और भी जो समाज में रहते हैं, जो हमारे समाज के हैं भाई, पासी समाज है और समाज है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मुसलमानों को इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और बल्कि इससे तो ये फायदा होगा, जो किसी का कागज़ नहीं है उसका कागज को पूरा वो करो और उसके कागज अपने पूरे सही करके वो करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सीए को लेकर के। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है, बीजेपी को लेकर लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेपी ने सीए को चुनाव से पहले लागू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो विपक्ष है, विपक्ष तो एक बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा है ना, मोदी जी जो कर रहे हैं काम, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चल रहे हैं। देखो सऊदी अरब में गए वो, वहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ, दुबई में गए, दुबई मुसलमानों के यहाँ बहुत स्वागत हुआ, वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने खुद कहा भाई आओ यहाँ, कितने करोड़ वहाँ हिंदू भाई रहते हैं, उनके लिए मंदिर बनवाया उन्होंने, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, सबका साथ सबके पास चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, हिंदुस्तान का यही वो है। अच्छा, आपने देखा होगा मुंबई में भी लगातार सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर आज जुमे की नमाज़ है और पूरे देश में अलर्ट में है, तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को क्या? नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, जो हिंदुस्तान का जो वो है उसको सम्मान करना चाहिए उस कानून का, वो कानून अच्छा बनाया उन्होंने, ठीक बनाया, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जो है देखो, राजनाथ जी ने भी कहा कि मुसलमानों की मैं गारंटी लेता हूँ, करिए मुसलमानों के एक भी आदमी को ईजा आ जाए। देखो ये उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से आए हैं हमारे यहाँ, हम उनका वेलकम करते हैं, वेलकम करने के लिए, मगर वो अपने कागज़ बनवा लें। अच्छा, कागज़ बनवा लें, कागज़ उनके बन जाएंगे, वो रहें यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी जी, मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद जी, देश में सीए को लागू कर दिया गया है, तो कैसे ठीक है? हमारे ज़्यादा नुकसान, इससे कोई नुकसान नहीं हमारा है।
विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सरकार मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं सोच रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए अब सीएए को भी लागू कर। ये तो राजनीति कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा है। राजनीति लाभ के लिए बोल रहे हैं सदा में, राजनीति के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया भी तमाम फोटोज वायरल हो रही है सीए को लेकर, अभी मुंबई हो, दिल्ली हो या बंगाल हो, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सीए तो कानून नागरिकता देने वाला लेने वाला थोड़ी है, वो तो जानू नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला थोड़ी है। ठीक है सीए, हाँ हमारे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नासिर अंग्रेज, महामंत्री। अच्छा, अब देश में सीए को लागू कर दिया गया है 2024 के चुनाव आने से पहले, तो कैसे देखते हैं इस चीज़? देखो, ये एक ऐसा होता है कि आदमी को कोई भी काम होता है में सोच विचार होते हैं, इन लोगों ने जो सोच विचार लिए हैं बहुत अच्छे सोच विचार लिए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं करी इन्होंने, बिल्कुल सही लिया है इन्होंने। विपक्ष लगातार कह रहा है सिर्फ ये कुछ समुदाय को लेके बीजेपी आगे चल रही है, अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए सीए को अब चुनाव से पहले लागू कर दिया है, वोट बैंक लेने के लिए लागू कर दिया। देखो, ये तो एक बंदे की सोच होती है, एक बंदा होता है जो छोटी सोच का होता है, एक होता है बड़ी सोच का। ये इनकी सोच अच्छी है, इनके विचार बहुत अच्छे हैं। जिस दिन से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, इनके आने से काफ़ी सुधार हुआ है देश के अंदर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान को बहुत लाभ हुआ है और बहुत फायदा हुआ है मुसलमान को। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार मुसलमानों को दबाना चाह रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान इस टाइम बहुत आज़ाद हो चुका है, पहले मुसलमान कैद था, अब मुसलमान कैद नहीं है, मुसलमान को हौसला मिल गया है। अच्छा, क्योंकि मुसलमान की बहू बेटियाँ फ़ख्र से चल चलती हैं, मुसलमान की बहू बेटियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, अब कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्राइम ख़त्म किया है। अच्छा, 400 पार का जो नारा है मोदी जी का कामयाब होगा? बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम तो शहजाद है। अरे बता दो कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो गया? देश में अब सीए को लागू कर दिया गया है तो कैसे देखते हैं? मैं कुछ बोल, क्या नाम है भैया? फैजान अहमद। फैजान जी युवा है, थोड़ा आगे आ जाए, युवा है आप, क्या लग रहा है देश में 2024 के चुनाव आने से पहले अब सीए को लागू कर दिया गया तो कैसे देखते हैं? सीए से हमें क्या मतलब है, हमें कोई सीए से कोई परेशानी थोड़ी है ना, हम देश आज़ाद में रह रहे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे। लगातार अभी भी देखोगा मुंबई की बात करें, वहाँ पे भी प्रदर्शन चल रहा है सीए को लेकर, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन हुआ है, तो कैसे? ये सब बीजेपी के ही लोग हैं प्रदर्शन करवाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, सब विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सरकार मुसलमानों के बारे में नहीं सोच रही है, चुनाव लाभ लेने के लिए, वोट लेने के लिए सीए को लागू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, सीए लागू है जो, हमें कोई तकलीफ नहीं है सीए से भाई, हमें क्या तकलीफ होगी सीए से? अखिलेश यादव कह रहे हैं, वैसे जी बोल रहे हैं मुसलमानों को दबाने के लिए, तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव, हाँ और कुछ नहीं, अब वो खत्म है लहर उसकी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, क्या सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या करा उन्होंने बताओ, क्या कर रहे हैं मुसलमान? ने बहुत नौकरियां दी हैं। किसे दी? तुम्हें दी, हमें दी, बताओ किसे दी नौकरी? अच्छा, उसे सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मिलना नहीं। अच्छा, बस खत्म है, इधर जाएंगे फिर मुस्लिम इस बार है? वो हम आपको नहीं बताने हैं। अच्छा, जब वोट पड़ेगा खुद बता देंगे, पता चल जाएगा आपको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुखातिब है। मुखातिब जी, रमजान का पहला जुमा है और 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, क्या लग रहा है सीए को देश में अब लागू कर दिया गया है, तो मुसलमान होने के नाते आप क्या कैसे देखें? ये देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान को फ़र्क पड़े ना किसी और को फ़र्क पड़े, फ़र्क उसको पड़ेगा जो गलत होगा, जिसके कागजात जो यहाँ का बासिंदा, उसे क्या टेंशन है इससे? ये डराने वाले की है, ये तो एक जो है हवा बनाना है, इलेक्शन जीतने की पोजिशन है। अच्छा, हर एक पार्टी अपना चाहता है प्रचार हो मेरा, कि वोट मुझे मिले, मुसलमान मेरी तरफ खींचे, मुसलमान को चाहिए कि सोच बूझ के साथ वोट दे। अच्छा, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सही तरीके से काम करे, अपने कागज सही कराए, अगर कागजों में दिक्कत है तो कागज सही कराए अपने, बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने के लिए अब सीए को लागू कर दिया है, पहले कुछ लाते हैं कभी कुछ करते हैं, कि सिर्फ एक समुदाय को लेके आगे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है देखिए कि कोई दबाने के लिए बात करता है, कोई उठाने के लिए बात करता है, सब वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए और कुछ नहीं है। फायदा चाहिए कि वही मैंने आपसे बताया कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करिए और सही जो काम करें उसको वोट दीजिए, गलत आदमी के सिखावे बहकावे में ना आए, ना डरें किसी से, अपना काम करें सही तरीके से रहें। जो देश का नागरिकता है वो नागरिकता रहेगा कि अलग थोड़े हो जाएगा, समझ गए? मंत्री ने भी कह दिया, रक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि जो देश का नागरिक है उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन आ रहे हैं यहाँ से और रहते रहेंगे, हमारे देश है और हमारे रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बस और